हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चंद्रशेखर आज धर्मपुर मुख्यालय में प्रेस वार्ता में महेंद्र सिंह पर लगाए कई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चंद्रशेखर ने आज धर्मपुर मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए जल शक्ति मंत्रालय हिमाचल प्रदेश की मुखिया महेंद्र सिंह के वरिष्ठ सहायक पीएचओ सचिवालय के कर्मचारी हैं। उनके द्वारा धर्मपुर बाजार में 40 साल पहले धर्मपुर बाजार और कार्यालय स्थानीय जनता की जल आपूर्ति हित जल संग्रह टैंक बना था, उसे तोड़ दिया गया। वहीं प्रदेश सचिव चंद्रशेखर ने सीधा आरोप लगाया है कि जल शक्ति मंत्री का वरिष्ठ सहायक पानी के टैंक को तोड़कर अपने घर के विस्तार के लिए उस जमीन का इस्तेमाल कर चुका है। आइए दिखाते हैं खबर विस्तार से। मंत्री जी को हटाएं, इस पद से हटाएं, क्योंकि ये उसका अनड्यू एडवांटेज, उस पद का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। और इन्होंने अगर ये तो प्रत्यक्ष कार्य है, अप्रत्यक्ष तौर पे ना जाने ये क्या क्या कर चुके होंगे इस वक्त तक मंत्री जी के नाम पर। और मंत्री जी को मैं सलाह दे रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। जो व्यक्ति आपकी छवि को खराब कर रहे हो, आपकी सरकार की छवि को खराब कर रहे हो, और आपके नाम पर, सरकार के नाम पर जो लूट कर रहे हैं, सरकारी भूमि को कैसे आप ले सकते हो? सरकारी कर्मचारी कैसे कर सकता है एक पानी के टैंक को, जो कि धर्मपुर की, और मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चा बच्चा जानता है, और आप पत्रकार बंधु भी यही के हो, आपको भी मालूम है यहाँ पर टैंक हुआ करता था, और उस टैंक को अभी 1.5-2 महीने पहले ही हटाया गया और उसकी जगह पर इसको बुलाया गया। और जेई कौन है, एसडीओ कौन है, एक्सिम कौन है? अगर उनकी भी शह है तो उनके खिलाफ भी जांच हो, और जब तक जांच पूरी ना हो इस व्यक्ति को इस पद से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मंत्री जी के साथ चले हुए जो खास आदमी अगर इस तरह की बात करने में अड़िग हैं, वो ये सब करना चाहते हैं, तो डाउन द लाइन समाज में तो फिर जो घरों के पिछवाड़े हैं, जो गलियां हैं, उनमें से बड़ी बड़ी पाइपें गुजरी हैं, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, किसी से NOC नहीं ली गई है, लोगों की जमीनों के बीच में से पाइपें गुजर रही हैं, लोगों की जमीनें जो है वो टैंकों के लिए एक्वायर कर ली गई हैं, लोगों की जमीनें जो है वो रेस्ट हाउसेस को बनाने के लिए एक्वायर कर ली गई हैं। लेकिन उल्टा मंत्री जी का अपना जो परिवार की, तो बात आज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो आज कर रहा हूं कि स्टाफ की बात, जो उनके सीनियर असिस्टेंट सचिवालय में बैठे हैं, सचिवालय का एक कर्मचारी जो अभी 8 साल पहले नौकरी लगा, आज वो कर्मचारी धर्मपुर के अंदर धौंस दिखा रहा है, आम आदमी को धौंस दिखाता है, ऑन बिहाफ ऑफ मंत्री आदेश करता है, और अपने आप उसी धौंस के बूते पर IPH के टैंक को तोड़ता है और उस पर अपना घर का निर्माण करता है और दूसरी मंजिल का काम शुरू कर देता है, और निर्माण की जो सामग्री है उसका भी जुगाड़ वहीं पर लोकलिटी के अंदर जो सरकारी कार्य चल रहे हैं वहां से किया जा रहा है। तो ये जो हम कह रहे हैं, हो सकता है मंत्री जी को ये सब पता नहीं, और मुझे लगता नहीं पता नहीं होगा, पता होगा, क्योंकि मंत्री जी के साथ जुड़े हुए परिवारों के कर्मचारी हैं ये लोग। अगर मंत्री जी को ये सब पता है तब तो ये और भी ज्यादा गंभीर बात है, मेरा फिर तो आरोप मंत्री जी के ऊपर आ जाता है। अगर मंत्री जी को पता नहीं है तो तत्काल इस आदमी को अपनी टीम से हटाया जाए, इसके खिलाफ FIR हो, नियमों के तहत इसके खिलाफ FIR हो, और FIR एक्सिम के ऊपर भी हो, FIR SDO के ऊपर भी हो, FIR JEE के ऊपर भी हो, जिन्होंने पानी के टैंक के ऊपर प्राइवेट और बिल्कुल SDM जहां रह रहे हैं, जहां शहर का जो धर्मपुर का जो यहां पर मुख्य वो है, केंद्र है, वहां से ये लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर घटना मैं बता रहा हूं, और जहां मैं बैठा हूं यहां से 250 मीटर की दूरी के ऊपर ये सब निर्माण चल रहा है, और कर कौन रहा है जो तथा विनोद चड्ढा कुठिंडा बिलासपुर।